बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती खेमिन साहू, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बेमचा, जिला महासमुंद। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 12, अपन चीज के पीरा का भाग 2। लइका हो, हमन पहली भाग में देखे रहें कि परसराम के गारी से एक ठन गोदौरी तेन हा कैसे सब जन के बारी में जाके बिंद्रा विनाश करे, कैसे ओला कौन सा जतन से पकड़ी सावे, तहाने परसरामला ओकर डार तक को देल परी से। ठीक है, ता अब इही में हमन हा एकर आगे के कहानी ला पढ़थन कि ये कहानी में आगे का होई से। लइका हो, एक दू अठुरिया काही नहीं जनेस। अभी मेरा अठुरिया लिखा है, अठुरिया के मतलब होते 8 दिन तक, है ना। तो एक दू ठन जब अठुरिया हा निकली से तो कुछ नहीं जने से, परसराम गाय ला बांध के रख है। रमेशर सोचिस, चलो अच्छा है, दादा के व्यवहार बदलिस, पर खेत खार चराए ले पेट नहीं भरा, उल्टा शराब लगते। रमेशर है इसने सोचे लागिस, है ना, कि अब मोर दादा के जो व्यवहार है वह बदल गए है। और यही बात लगत ऐसे कि एमेर लिखा है पर मतलब होते दूसर, तो दूसर के खेत खार ला चर के काकरो पेठा नहीं भरा है, बल्कि का होते ओकर उल्टा ओला शराब मिलते, मतलब बद्दुआ देते। एति ढिल्ला चरे चरे टकराहा गोदावरी हा दुबराए लागिस, घर के चारा ओला ओल्हाए नहीं। अब का हुईस, जब एति होती रेहे गोदावरी ला चरे पर नहीं मिलिस ता ओकर शरीर हा दुबराए लग गे, घर के चारा हा ओला एको कन नहीं सुहात रही से। गाय के पकती पकती झके लागिस, दूध घलो सुखाय लागिस, और गाय के हड्डी मन तको दिखे लग गे, और दूध घलो सुखाय बढ़ लग गे, दसरी घलो दुबराय लागिस। अब गोदावरी के हालत ला देख के दसरी घलो दुबराय लग गे। चोर हा चोरी छोड़ दी ही तो ओला कल नहीं पड़े, तैसे परसराम के हाल। तो ये में लिखा है चोर हा चोरी करे छोड़ दी ही तो वो काला खाही, ऐसे कस परसराम के तको हालत रही से, काबर की रोज दिन वह गोदावरी चरे बर दूसर दूसर के बारी में भेजे ना, है ना। तो जब वह गोदावरी ला नहीं भेजत रहीस तब वह लग कल नहीं पड़त रहीस है। सोवा प्रति गोदावरी करा जाए और ओकर गेरवा ला छटकाए के उदिम करे। परसराम रोज दिन काय करे, रात होए ना सूते एक बेर होए तहाने गोदावरी करा जाए, और वो जगह जाके काय करे सोचे कि एकर गेरवा ला मैं छोड़ दऊ का, ऐसे कही के वह वो जगह जाए और सोचे लगे। ओ एक छिन सोचे नहीं, अब जस लेना ठीक नहीं है, और तभे एक पल के लिए उकर मन में फिर विचार आए कि नहीं नहीं ऐसने काम करना ठीक नहीं हो ही, ऐसे कह के अपन विचार ना बदल दे। गेरवा छोड़े पर उकर हाथ हा ठोटके, गाय के बांधे के जो रस्सी रही थे तेला की थे गेरवा, तब जब वो गेरवा ला छोड़े पर जाए ना तो उकर हाथ हा रुक जाए, ठोटके मतलब रुक जाए। दूसर छीन सोचे चरण देना, रोज रोज थोड़े पकड़ा ही, ऐसे कह के परसराम हा सोचे। लइका हो, ठोटकत ठोटकत एक दिन ओकर हाथ ले फिर गेरवा छूट गए, गोदावरी फिर ढिल्ला, मतलब परसराम हा गोदावरी करा गीस और ओकर गेरवल छोड़ दीस, छोड़त छोड़त मत छोड़ ही दीस, और गोदावरी हा फिर चल दीस ढिल्ला होके फिर बंदी। रमेशर ला बड़ा दुख होए। एक दिन रमेशर के अपन दाई दादा संग बने झगड़ा हो गई। परसराम कही दीस, हरिश्चंद बने माँ पेट नहीं भरे बेटा। रमेशर कही थे, नहीं दादा, सब ला अपन चीज के पीरा है, कोनो तोर बारी बेला खेत खाड़ला चराही तो तोला नहीं भी आप ही। रमेशर हा अपन दादा ला कही थे कि दादा तेहा दूसर के बारी में गोदावरी ला भेजथस तो ओमन ला कतका बिरात होही, कतका भी आपत होही, वैसने जब तोर बारी बेला में और तोर खेत खार में कोनो चराही तो तोला दुख नहीं होही, तोला नहीं पिराही का। वा रे मोर धर्मात्मा बेटा, कही के परसराम हाँस दीस। अब जब रमेशर के इसने बात ला सुनीस ना तो परसराम हा हाँस दीस। परसराम के हाँसी रमेशर के हृदय मा बम्बूर काटा कस गड़ गे। अब परसराम तो हाँस लीस, लेकिन रमेशर के मन मा ओकर हसी हा बबूल के कांटा कस गड़ गे। लइका हो, अठुरिया पाछू गांव में मड़ई होइस, 8 दिन के बाद उकर गांव मड़ई होइस, रथिया दईहान मा नाचा होत रहीस।
अब ए जगह रतिया लिखा है, रतिया यानी होते रात, और दहान के मतलब होते जे जगह गाय मल्ला इकट्ठा करके रखे जाते। तर रतिया दहान में नाचा होत रही से, जेवन करके सब जन नाचा देखेल चल दिन। ए जगह लिखा है जेवन, जेवन के मतलब होते खाना खाके। जेवन करके सब जन नाचा देखेला चल दिन। दसरी हा अपन टूरी ला भेज के पहली ले आगू में पोता बिछवा दे रही। लड़का हो तहु मन इसने करथो कि नहीं, तुम्हार गांव में जब कोनो नाचा वाचा होते तो काय करथो, आगू जगह में बैठे पर पहली ले दरी वरी बिछा के रखथो ना। वैसने दसरी हा अपन बेटी ला आगुल भेज दीस और जगह रखे पर पोतल बिछवा दे रही से। लड़का लधर के उहू पहुँच गए नाचा देखेला। पर्ची में सोए रमेशर टुकुर टुकुर को जनी काला देखत रहे। परसराम कहते नाचा देखेला नहीं जास रमेशर। रमेशर कहते अच्छा नहीं लगे दादा, नहीं जाऊँ। ले नहीं जास तब तय घर ल राख, मैं जात हूँ। ऐसे कह के परसराम हाँ चल दिस, एकाद गम मत देख क्या हूँ। ऐसे कह के परसराम बंडी पहरत निकलिस, कोठा डहर गिस और गोदावरी गेरवल छटका दिस। अब देखा था परसराम फिर काय बुता करी से जगह, वो कोठा में चल दिस और गोदावरी गेरवल छोड़ दिस। गोदावरी निकल गए अपन बुता में और परसराम नाचा डहर निकल गए। अब गोदावरी बुता काय रही सब जन जानते हो ना लड़का हो, वो कहाँ जाए दूसर के बारी में चरे बर और बिंद्रा विनाश करे बर। रमेशर मन में सोच लीस आज तो कुछ ना कुछ उपाय करके मोर दादा ला में हाँ सबक सिखाऊं। अपन जिनिस के पीरा का होते, अपन जिनिस के का पीरा होते, ये तो दादा ला सिखोइच ला पर ही। रमेशर उठीस अब कोठा मा जाके सब गाय गरवल ढील के अपन बारी मा ओइला दिस। अब ढीलना मतलब छोड़ देना है ना, ओइलाना यानी कि अंदर भेज देना। तो रमेशर हा उठ के कोठम गिस और सबो गाय गरवला बाड़ी में छोड़ दिस। भाटा मिर्चा फूलत फलत रहा है, सेमी के नार घऊ दे रहा है, तेमा झोप्पा झोप्पा सेमी झूलत रहा है। अब ए मेरे एक ठन शब्द है लैका हो घऊ दे यानी छाए रहा है, सेमी के नार है सब कोती छाए रहा है और ओमे गुच्छा गुच्छा में सेमी है झूलत रहा है। तीर मा धनिया घलो महमहात रहा है, मतलब धनिया जो रही से ओहा एकदम खुशबू फैलात रही से। जम्मो गरवा अभर गे घर बारी मा, जतका गाय रहीस ना ओमन हा घर के बारी मा घुस गे। उमान कस चारा चरे लागिन और खुशी खुशी ओमन हा बारी के जतका भी साग सब्जी के पेड़ पौधा रहीस तेन मला चरे लागिस। जम्मो जानवर मिलके बारी ला खुरखुद कर दिस। अब ये जगह एक ठन शब्द आए लिखा हो खुरखुद, खुरखुद करना यानी तहस नहस कर देना, ठीक है ना। तो सब जानवर मिलके जतका गाय रहीस तेन मन मिलके पूरा बारी ला खुरखुर कर। रात पछलती रमेशर उठ के सबो जानवर ला कोठा मा ओइला के बांधिस और आके सूत गे। अब जैसने ज रात हा बीत के तैसने रमेशर हा उठीस और जतका जानवर रहीस तेन ला कोठा फेर लान के बांधिस और सूत गे। लैका हो अब नाचा देखत दसरी ला नींद आए लागिस, तहाँ उठ के आगिस वहू हा। थोरी केच पाछू परसराम घलो आगे। लैका मन नाचा देखते रहिन। बिहनिया परसराम उठ के बारी डहर गिस, तब बारी ला देख के अकबका गे। अब ए जगह एक ठन शब्द है लैका हो अकबका गे, अकबकाना यानी आश्चर्य होना। तब परसराम हा अकबका गे। दसरील बारी में लेख के देखा थे, खुरखुद बारील देख दसरी हा रोए लागीस और रो रो के सरापे बखाने लागीस। अभी मेरे सरापना बखाना यानी कि कोसना गाली देना। काकर गरवा आए तेन सरी भाटा मिर्चा सेमी ला चर के बारी के बिंद्रा विनाश कर दीस, ओकर डेहरी मा दिया झन बरतीस। ऐसे कह के सब झल्ला सरापे लागत रहीस ओहा, ओला खोजे पसिया झन मिलतीस। परसराम घलो बेकलम बेकलम गारी बके लागिस। अबे मेर शब्द आहे बेकलम बेकलम, त बेकलम बेकलम के मतलब होते बेकार बेकार गाली। एती रमेशर खटिया ले उठीस और बारी रहर जाके दाई लगे थे, काकर डेहरी के दिया ला बुझावत हस दाई, ते सरापत बखाना थस दाई।
ता तोरे डेहरी के दिया बुताही, तोरे गाय गरवा हा बारी ल चरे हे और मैं चराए हूँ। आज तुहरे गाय गरवा हा तुहर बारी बेला ल चरे हे ता तुम्हला कतका भी आपत है। हमर गाय दूसर के बारी बेला ल चरथे ता का ओला नहीं भी आपत होही। सब के पीरा एक होते ददा, सब के माया एक होते दाई। अपन बरोबर सब ल जानिस और सब ल एके मानिस, ऐसे कह के रमेशर हा अपन दाई और ददा ल बोलथे। रमेशर के सियानी गोठ ल सुन के ककरो बक्का नहीं फूटिस। अब रमेशर अतका सारा बड़े बड़े बात ल कहिस ना, तो ओकर दाई और ददा मन के मुँह से कुछु बक्काच नहीं फूटिस, मतलब ओमन कुछ बोल ही नहीं सकिस। अब रमेशर के सब बात ल सुन के परसराम और दशरी अपराधी कस खड़े रहिन। ओहू मन ल अपन करनी के ज्ञान हो गे, मतलब ओहू मन ल अपन गलती के एहसास होइस। उत्ती डहर ले उवत सूरज के रूप आज नवा नवा लागत रहिस। तब परसराम और दशरी ह जब अपन गलती ल मानिस, ओकर ज्ञान होइस ओमन ल, त ऐसे लागत रही से जैसे उत्ती डहर के सूरज ह, मतलब आज जो सूरज है उगत है वह नवा नवा दिखत। त लइका हो, आज हमन ये कहानी ले का सीखें, ये सीखें कि रमेशर हा जैसे अपन दाई और ददा के होते हुए भी उकर गलती के एहसास ल करवाइस ना, उकर साथ तो नहीं दिस और ओमन ला उकर गलती के एहसास करवाए बर उपाय भी करी से। वैसने हमू मन ला जैसे हमर से कोई गलती हो जाते तो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में वो गलती हा मत होए और काकरो हानि भी मत होए। लइका हो तो चलो, भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तेल हमन देख लेथन। खाले लिखा है मुहावरा मन के अर्थ लिखाओ और अपन वाक्य में प्रयोग करो। जैसे लाठी अटियाना, लाहो लेना, मुँह में पैरा गूंजना, छक्का पंजा बंद होना। तो लइका हो, ये जगह जिन मुहावरा ला बताए गए है ये पाठ से संबंधित ही है। त पाठ ला तो तुमन पढ़े हो, तो एकर से संबंधित वाक्य ला तुमन स्वयं बनाओ। लइका हो चलो, अब ये पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है यहू ला देख लेथन। त प्रश्न पहला है, रमेशर हा नाचा देखे बर काबर नहीं गीस, कौन बताही एकर उत्तर ला? हाँ शशि, बिल्कुल सही जवाब है। रमेशर हा नाचा देखे बर एकर सेती नहीं गीस काबर की वो अपन घर के गाय गरवा ला अपन बारी में ढिलना चाहत रीसे, ताकि ओकर दाई ददा ला ये पता चले कि जब खुद के चीज के बिंद्रा विनाश होते ता ओला कैसे पीरा थे और कतका दुख होते, ऐसे की के रमेशर हा नाचा देखे बर नहीं गीस। प्रश्न दूसरा है, रमेशर हा अपन दाई ददा ले का बात बर बातिक बाता हो है, एकर उत्तर ला कौन देही? हाँ संजू, बिल्कुल सही जवाब है। रमेशर हा अपन दाई ददा संग एकर सेती बातिक बाता हो जावे काबर की उकर दाई ददा मन हा अपन गलती ला कभू स्वीकार नहीं करे, उल्टा ओ मन हा दूसर ला औ चिल्लावे। त लइका हो, अभी हमन देखें भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न है, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न ला भी देख लें। त चलो, अब जल्दी से अपन कॉपी पेन ला निकालो और मैं तुमन ला घर बर एक ठन बोता देवत हूँ, ओला तुमन जल्दी से लिख लो। त प्रश्न है, ऐसने और कहानी सोच के लिखो, एकर लिए तुमन हा अपन बड़े दीदी भैया से भी सहायता ले सकते हो और अपन बड़े बुजुर्ग मन से भी पूछ सकते हो। जैसे ये कहानी अपन चीज के पीरा है, वैसने एक आठ ठन दूसर कहानी दूसर से सुन के भी तुमन लिख सकते हो। त लइका हो, अब ये पाठ है तो हमार पूरा हो गए, एकर से संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर लें, तुमन ला मैं गृह कार्य भी दे देऊ। त लइका हो, आज हमन ये पाठ ला इस जगह समाप्त करथन और अब हमन मिलबो अगली कक्षा में। नमस्कार।